वेलकम टू समोसा रिव्यू। तो भाई लोग, रावत जी ने समोसे भेज दिए हैं। ये रहे समोसे, गर्मा गर्म समोसे खाऊंगा और मूवी के बारे में बढ़िया बढ़िया बोलूंगा। तो चलिए शुरू। क्या समोसा रावत जी ने नहीं भेजे? किसने ये समोसा किसने भेजे? अबे समोसा तो मैंने मंगवाया है, खा ले दो समोसा, सुबह से भूखा है। फोन किया था तो क्या बोले रावत जी? दो पैसे का रिव्यूअर से फर्क नहीं पड़ता। दो पैसे है? तो भाई लोग, बहुत गड़बड़ हो गई। समोसे रावत जी ने नहीं भेजे हैं और ये अच्छा नहीं किया है भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। दो समोसे हम भी खा लेते, पेट भर जाता तो अच्छा अच्छा बोलते। खाने के बाद कोई भी बुरा बोल ही नहीं सकता। आप किसी भी समोसा क्रिटिक्स का आप रिव्यू देख लो, सभी कह रहे हैं एक बार तो जाके देखना बनता है, एक बार तो जाके देखो, फैमिली के साथ जाके देखो। हाँ, दो चार बुराई भी कर रहे हैं, बुराई भी दो चार कर रहे हैं, लेकिन एक बार तो देखना बनता है। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ चैनल में सुना कि इंडिया में बहुत सारे मल्टीप्लेक्स बंद हो रहे हैं। भाई रावत जी एंड प्रभास जी, ऐसी मूवी बनाओगे तो सिनेमा हॉल तो बंद ही होंगे। कम से कम हमारे पेट पे तो लात मत मारो भाई। नया नया रिव्यू चैनल स्टार्ट किया है, जब मूवी नहीं चलेगी तो रिव्यू किस चीज़ का करेंगे? हमारा तो ख्याल करो। एक तो आपने समोसे नहीं भेजे, एक आपने मूवी इंडस्ट्री का नाम खराब किया है इस मूवी से, क्योंकि ये इंडिया के इतिहास की सबसे हाई बजट लो क्वालिटी मूवी है। तो भाई लोग, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि कोई भी इंसान मूवी देखने क्यों जाता है? विजुअल एक्सपीरियंस के लिए। और ये मूवी का स्टोरी तो ऑलरेडी सबको पता ही है, तो इसका रीज़न सिर्फ एक था, अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस के लिए। भाई लेकिन ये तुमने क्या कर दिया रावत जी, इतनी डार्क मूवी बना दी आपने। आपने अपने VFX और CGI को छुपाने के लिए मूवी इतनी डार्क बना दी, शुरू से लेके आखिरी तक मूवी इतनी डार्क बना दी कि मैं तो अंधा हो गया। मैं कसम से अंधा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था, मेरी आंखें तो वैसे भी बुढ़ापे में ख़राब हो रही है। इतनी डार्क बना दी, हर सीन डार्क, पहला सीन डार्क, दूसरा सीन डार्क, आखिरी सीन डार्क, बीच का सीन डार्क। हद तो तब हो गई कि जब दिन का सीन है और जब रात का सीन है, दोनों में इंटेंसिटी का सिर्फ 10% का डिफरेंस है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीन दिन का है, कौन सा रात का है? अगर मशाल जल रही है तो समझ लीजिए रात का सीन है, और अगर मशाल नहीं जल रही है तो दिन का सीन है, अदरवाइज सारे सीन एक जैसे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि लगता है कि शूटिंग इस तरह से की गई है कि 320 पिक्सल में शूटिंग की गई है और उसको अप स्केल करके 4K कर दिया गया है। एकदम फ्लैट सा आ रहा है फेस वगैरह सब पे, जैसे यहाँ कहीं लाइट की वजह से गोरा है, यहाँ काला है, इस तरह से चीज़ें आनी चाहिए ना। एकदम फ्लैट लग रहा है, जैसे कि पेंट कर दिया हो, इस तरह का फेस लग रहा है। भाई आपने तो पूरा जो मेन चीज़ होता है बिल्कुल डुबो दिया मूवी में। विजुअल एक्सपीरियंस 0 है उस मूवी का। अब आते हैं लंका के डिज़ाइन पे। भाई ये सोने की लंका बनाई है या कोयले की लंका बनाई है? 90% मोर देन 90% चीज़ें आपको ब्लैक दिखेगी लंका में, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गोल्डन दिखेगा। भाई क्या बना दिया ये, किस तरह की लंका बनाई? कम से कम नॉर्मल ही बनाते। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, CGI और VFX को छुपाने के लिए ब्लैक, और बहुत ज़्यादा ब्लैक। इस तरह से ब्लैक मूवी को डिज़ाइन किया गया है जैसे 15 साल पहले डिज़ाइन होती थी। जब भी CGI, जब भी इस तरह के सीन आते थे आज से 15 साल पहले मूवी में, तो इसी तरह से ब्लैक होते थे। भाई CGI और VFX को मूवी की क्वालिटी को बेटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़राब करने के लिए नहीं। रावत जी आप इतने भोले हो कि आपको CGI या VFX वालों ने बड़ा उल्लू बनाया, कि आपको CGI या VFX वालों ने लूट लिया पूरी तरह से। इतना भोलापन ठीक नहीं है, क्योंकि ये मूवी हमारे सामने, पब्लिक के सामने, ये मूवी पब्लिक के सामने पूरी तैयार होने के बाद आ रही है, लेकिन आपके सामने ये मूवी तो हमेशा से रही है, पहले शॉट से रही है। क्या आपको दिखा नहीं कि आपका CGI और VFX कितना ज़्यादा बकवास है? तब से क्या कर रहे थे आप? आपने तब से अब तक गौर नहीं किया कि आपका CGI और VFX आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बकवास है, बहुत ज़्यादा।
कोई लिमिट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है जो इस मूवी का किसी और मूवी के सीजीआई और वीएफएक्स से कंपैरिजन किया जा सके। जो जो मेन कैरेक्टर हैं, थोड़ा सा टाइम उनको ज़्यादा मिला है, उनका सीजीआई थोड़ा सा बेटर है। जैसे आप एग्जांपल अगर लें तो सुग्रीव के कैरेक्टर का सीजीआई थोड़ा बेटर है। उसके बाद जामवाल का कैरेक्टर का जो सीजीआई इन्होंने बनाया है वो रियलिस्टिक सा लगता है। भाई बाली के सीजीआई बनाते वक्त कहाँ चले गए थे? बाली का सीजीआई कितना ख़राब बना दिया आपने। खास के जब मूविंग सीन आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि हम गेम प्ले कर रहे हैं, इतना बेकार सीजीआई बनाया है। भाई रावत जी, आपको लूट लिया इन ग्राफिक्स वालों ने, पैसे रोक दो इनके। भाई ऐसा लगता है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए हमारे गांव में लल्लू लाल को उठा लाइए, लगता है लल्लू लाल ने ग्राफिक्स डिजाइन किया है। खास के सीजीआई यानी कंप्यूटर जनरेटेड जो भी इमेज है, 90% इमेज रियलिस्टिक नहीं लगते, और ऐसा इमेज तो हमारा लल्लू लाल ही बनाता है मोबाइल पे। अब आते हैं हनुमान जी के कैरेक्टर पे। तो हनुमान जी का जो कैरेक्टर प्ले किया है, मुझे लगता है थोड़ा सा एज कम होना चाहिए, प्लस लंबाई हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए तो बेहतर लगता। अभी क्या है कि फेस पे एज फैक्टर साफ साफ दिख रहा है, प्लस देखकर वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती, तो मुझे लगता है हनुमान जी की कास्टिंग गलत हुई है। चलो ये ठीक है, कास्टिंग आपने की जो भी की बहुत बढ़िया। क्या डायलॉग बुलवा दिए आपने हनुमान जी से, तेरे बाप का तेल, इस तरह के डायलॉग आदि पुरुष रामायण टाइप की मूवी में, इस तरह के डायलॉग इस तरह की मूवी में कहाँ सूट होते हैं? उस टाइम में इस तरह के छपरी डायलॉग कहाँ होते थे? थोड़ा तो सोच के स्क्रिप्ट लिखा करो भाई, आप इतने भोले हो रावत जी कि स्क्रिप्ट लिखने वालों ने भी आपकी लूट लिया आपको। अब आते हैं भगवान राम के कैरेक्टर की तरफ। तो जो कैरेक्टर प्रभास जी ने निभाया था बाहुबली में, एक फिक्शनल कैरेक्टर में इन्होंने जान भर दी थी। देख के ये फीलिंग आ रही थी कि भाई ये रियल कैरेक्टर है, दम है इसके अंदर, और यहाँ पे आपने रियल कैरेक्टर का क्या से क्या कर दिया। कोई एक्सप्रेशन ही नहीं चेहरे पे, एक मुस्कान नहीं। कम से कम रावत जी फ्लैशबैक में एक मुस्कान तो दिखा देते, हर टाइम गुस्से में ही है। फ्लैशबैक को कुछ तो यूज़ करना चाहिए था, कहीं पे तो यूज़ करते। कम से कम फ्लैशबैक में बॉन्डिंग दिखा देते दो भाइयों की, कैरेक्टर बिल्डअप करते, सीता जी का स्वयंवर ही दिखा देते फ्लैशबैक में, कुछ तो दिखाते। आपने दो चार सीन ही दिखाए हैं, उसको जबरदस्ती का खींच लिया है, कहानी में दम नहीं भरा आपने। भाई रावत जी, स्क्रिप्ट राइटर ने भी आपको भोला समझ लिया है, समझ जाओ आप। प्रोड्यूसर के पैसे डुबा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उनके पास बहुत पैसे हैं, हमारे पैसे तो मत डुबाओ भाई, हमारा तो रिव्यू का काम भी बंद करवा दोगे आप। ऐसी मूवी अगर बनाते रहे तो आप डूब जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसे हैं। पब्लिक को मत डुबाओ भाई ऐसी मूवी बना के। मूवी बनाते हो तो थोड़ा रिसर्च करो, स्क्रिप्ट पे रिसर्च करो, थोड़ी एक्टिंग भी कर लो, थोड़ी तो कर लो भाई। जितनी एक्टिंग तुमने उसमें की है उससे ज़्यादा एक्टिंग तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो एक्सप्रेशन फेस पे। अब आते हैं सैफ अली खान के कैरेक्टर की तरफ। तो जो उनको रोल दिया गया है उन्होंने अच्छे से निभाया है। यहाँ पे भी गलती जो डायरेक्टर साहब ने कर दी, छपरी हेयर स्टाइल क्यों दे दिया भाई? रोल उन्होंने बढ़िया निभाया है, लेकिन जो चलने का तरीका है वो आज के ज़माने के किसी गुंडे की तरह है। एक तो चलने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, दूसरी बात इस तरफ से दो कट, इस तरफ से एक कट। भाई पहले भी मैं भी पहले दो कट लगाता था, जब से आपकी मूवी का ट्रेलर देखा मैंने कट लगाना छोड़ दिया, कोई रावण ने समझ ले। भाई वैसे तो आपने समोसा नहीं भेजा है, इसलिए इस मूवी का अच्छा रिव्यू देने की, इसलिए कुछ पॉजिटिव बोलने का मन तो नहीं कर रहा है, भूख लगी है। फिर भी मैं दो पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ। एक तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल गूज बम्प वाला म्यूज़िक है, ज़बरदस्त म्यूज़िक है। उसके बाद दो सॉन्ग हैं वो भी बेटर है, सीता हरण वाला सीन है वो भी बहुत बढ़िया है। जटायु जब
रावण का पीछा करता है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पे जो चमगादड़ दिखता है भाई क्या सीजीआई है। चमगादड़ लोग मजाक से कह रहे थे ट्रेलर के टाइम, लेकिन भाई वो सच में ही चमगादड़ है, उल्टा लटका हुआ है, खाना खिला रहे हैं रावण जी उसको, खाना खिला रहे हैं। और भाई जो उसको कुछ खिला रहे हैं वो लग रहा है फ्रिज का ठंडा है। क्या सीजीआई, आप ही इतनी छोटी सी सीजीआई नहीं कर सकते थे? वो लग रहा है फ्रिज का जमा हुआ आइटम है। मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 2 स्टार। 1 स्टार श्री राम जी के लिए, 2 स्टार अच्छे बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए, बाकी कुछ भी स्टार देने लायक नहीं है भाई, पैसे बर्बाद हो गए भाई। समोसा क्रिटिक सिर्फ नाम है, समोसा क्रिटिक सिर्फ नाम है भाई इस चैनल का। समोसा खा के अच्छा रिव्यू नहीं देता मैं, इसलिए जेन्युइन रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें।